नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी, स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपने जो लास्ट लेक्चर था उससे आगे आपको बताना शुरू करता हूं। लास्ट के लेक्चर में मैंने बताना चालू किया था कि आपको कैसे किसी भाव की स्टडी करनी है, कुंडली देखते समय कैसे हम लोग भाव को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ नियम मैंने आपको बताए थे कुंडली देखने के, कि किस तरह से भाव देखें, और बाकी जो नियम बचे हैं मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो समाप्त हो जाए। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं उसी नियमों पर। प्रेजेंटेशन में खोल लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये स्लाइड थी जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाव को नाश करने वाले किसी भी भाव का, मतलब आपको देख सोच रहे हैं कि आपका चौथे भाव का या छठे भाव का या सातवें भाव का, इसकी हानि कब होगी, इसका नाश कब होगा किसी भी भाव का, तो अगर वो कैलकुलेट करना हो आपने तो कैसे करेंगे कि जो भी उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी है, यानी चौथे भाव का अगर आपको विचार करना है कि चौथे भाव की हानि कब होगी, तो चौथे भाव से अष्टम भाव का स्वामी देखिए चौथे भाव से, और ये चेक कीजिए कि उस अष्टम भाव के स्वामी की अंतरदशा या दशा कब आएगी। जब उसकी अंतरदशा या दशा आएगी तो चौथे भाव का हानि होगी। इसी प्रकार से अगर आपने देखना है कि चौथे भाव की हानि कब होगी, ये तो एक पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर उस भाव से 22वें दृष्टिकोण का स्वामी, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी मैंने आपको बताया था कि हर राशि के अंदर तीन दृष्टिकोण होते हैं, 0 से 30 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है, 10 से 20 का दूसरा और 20 से 30 का तीसरा। तो जो 22वां दृष्टिकोण है विचारणीय भाव से, यानी जो चौथा भाव आप सोच रहे हैं हानि या पांचवें भाव की हानि आप सोच रहे हैं, तो उससे 22वें दृष्टिकोण का स्वामी जो है, जब उसकी अंतरदशा या दशा आएगी तब भी उस भाव की हानि होगी। थर्ड केस है कि जो विचारणीय भाव से छठे सातवें आठवें भाव में जो भी विचारणीय भाव है, जैसे हम लोग छठे भाव का नुकसान देखना चाहते हैं या दूसरे भाव का नुकसान देखना चाहते हैं, तो उससे छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी यदि वो दुर्बल हो और तो जब उनकी अंतरदशा दशा आती है तो भी उस भाव का नुकसान होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको ध्यान रखना। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आई थिंक इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं तो शायद आपको ज्यादा आसानी रहेगी देखने में। क्योंकि तो इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, दूसरा स्लाइड चलते हैं इसमें के इस भाव में, मतलब देखिए लग्नेश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी भाव में। कुंडली का लग्नेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस भाव में लग्नेश जाएगा उस भाव की समृद्धि होगी। हम इस लेक्चर में या जो पीछे के भी लेक्चर था उसमें ये समझ रहे हैं कि किस किस भाव की हानि कब होगी, किस भाव का नुकसान कब होगा, किस भाव को पुष्टि कब मिलेगी, किस भाव में फायदा कब होगा, ये सब चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जिस भी भाव में लग्नेश जाएगा उस भाव की समृद्धि होगी। यानी यदि कुंडली का लग्नेश आपका चौथे भाव में बैठा है तो वो चौथे भाव की वृद्धि करेगा, चौथे भाव के कारकत्व में वृद्धि करेगा। या लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ाता है। मान लिया कि लग्नेश आपके तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो उस भाव का स्वामी कौन है, जो भी स्वामी है उसका उसका फल बढ़ाएगा, तो उसके तीसरे भाव के फल भी अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि भाव के फल तो स्वामी ने ही देने हैं। तो जब उसके फल बढ़ेंगे सीधी सी बात है कि भाव के फल भी आपके बढ़ जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए कि आप मोस्टली ये समझिए
कि हर ग्रह की दो राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। अब इसी प्रकार से आपका भी घर होता है, लेकिन किसी एक घर में या किसी एक रूम के अंदर अपने को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। या तो कहो जो आपका रूम है, घर तो आपका है तो आपको पसंद है, लेकिन जो आपने लिविंग रूम बनाया है या आपने बेडरूम बनाया है, आपको वो रूम ज्यादा पसंद होता है। वहां लगता है आपको कि वहां बैठ के वहां कुछ करके मेरी अच्छी तरह से स्टडी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। तो कोई ना कोई रूम पसंद होता है घर में आपको, ऐसा एरिया जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से ग्रह भी दो राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन एक राशि उनको अधिक प्रिय होती है, जिसको हम कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। तो मूल त्रिकोण राशि तो आपको मालूम ही होगी कि क्या मूल त्रिकोण राशि किसकी कौन सी मूल त्रिकोण राशि है, जैसे मंगल की मेष है, चंद्रमा की वृष राशि है, तो इस तरीके से बुध की कन्या राशि है। तो आपको मूल त्रिकोण राशि मालूम होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह फल करता है तो पहले वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है, कम फल करता है अपनी दूसरी राशि का। मतलब आप ये समझिए कि 75% फल वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का करेगा, जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि हो, किसी भी भाव 25% फल करेगा वो अपनी दूसरी राशि का। ये आप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। मूल त्रिकोण राशि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पैरामीटर है, जिसको कि आपको हमेशा ध्यान देना है। अब किसी भाव की मूल त्रिकोण राशि, किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि तो एक बैठी है आपके अष्टम भाव में, दूसरी बैठी है से आपके लगन में बैठी है, या दूसरी बैठी है आपके नवम भाव में बैठी है। तो मूल त्रिकोण राशि से ही वो काउंट होता है। अगर मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है तो वो अष्टमेश कहलाएगा, जो ग्रह है वो अष्टमेश कहलाता है। तो मूल त्रिकोण राशि देखनी चाहिए कि वो कहां पर है। दूसरी चीज ये, चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के घर क्षेत्र में गया हो, या वो षटबल में खूब उसका बल हो। षटबल में तो आप देखते ही हैं कितने बल आपको उसमें लिखे होते हैं, 1.71, 1.51, 1.41, 1.3। तो षटबल तो आप देखते ही हैं, जो कि डिपेंड करता है कि भाव कैसा बल है, ग्रह का कैसा बल है, डिपेंडिंग अपॉन दी उसका दिग्बल कैसा है, उसकी उच्च राशि का, नीच राशि का, वो सारा बल उसको मिलता है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिलती है, दीपावली है, रात्रि बली है, वो सबसे मालूम चलता है। तो षटबल हर ग्रह का लिया होता है। तो अगर कोई ग्रह षटबल में भी बहुत अच्छा है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र क्षेत्र में बैठा हुआ है, लेकिन जब वो भाव संधि में आता है, भाव संधि में क्या मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लग्न कुंडली और भावचलित कुंडली, तो लग्न कुंडली से भावचलित कुंडली में कभी कभी ग्रह आपको शिफ्ट मिलते हैं। भावचलित कुंडली में कोई ग्रह आपको दूसरे भाव में मिल जाता है, हालांकि हमको वो भावचरित कुंडली नहीं देखनी है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को कि जब भी हम प्रेडिक्शन करें, जब भी हम कुंडली की स्टडी करें, तो हम भावचरित कुंडली को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लग्न कुंडली को ही देखेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली से ही सब कुछ होता है। जितने वर्कशॉट बनते हैं, जितनी चीजें बनती हैं, सब लग्न कुंडली से बनती हैं, भावचरित कुंडली से वर्कशॉट वगैरह नहीं बनते। तो लग्न कुंडली ही देखें, लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह आपका लग्न कुंडली में तीसरे भाव में आ रहा है, लेकिन भाव जब आपने भावचरित कुंडली देखी तो वहां पे वो चौथे भाव में शिफ्ट कर गया है। हो सकता है कि वो तीसरे भाव में बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हो, 29 डिग्री का हो, 28 डिग्री का हो, जिससे कि वो अगले भाव में शिफ्ट कर गया। ये चीजें हो सकती है। तो ऐसे ग्रह भाव संधि पे कहलाते हैं, जो ग्रह शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी राशि में, दूसरे भाव में, वो भाव संधि पे कहलाते हैं। तो उन ग्रह के फलों में कमी आ जाती है। इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रह भाव संधि में हो वह फल देने में कमी करते हैं, फल खत्म नहीं करते लेकिन कमी करते हैं। तो जब भी फलादेश करो, आप कोई प्रेडिक्शन करो, तो इस बात का विचार आपको कर लेना चाहिए। अब जैसे हमने बताया कि जो ग्रह भाव संधि में हो वो में फल नहीं हो पाता, इसी प्रकार जो ग्रह भाव मध्य में हो उनके अंदर कुंभ फल देता है। भाव मध्य क्या चीज होती है? बेसिकली जितनी डिग्री लगन की होती है, अगर लगन 16 डिग्री है तो भाव मध्य आपका 16 डिग्री होगा, लगन 18 डिग्री है तो भाव मध्य आपका 18 डिग्री होगा। उसके बेस पे आपका भाव मध्य कैलकुलेट होता है, उसके बेस पे आपकी संधि कैलकुलेट होती है सारी। तो उसी से भावचलित आपकी कुंडली का निर्माण होता है। लेकिन हमें तो लग्न कुंडली देखनी है, हमें भावचलित कुंडली से कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ग्रह भाव मध्य में होते हैं, यानी अगर भाव मध्य
लगन की वैल्यू आपकी 17 डिग्री है, तो जो भी ग्रह 17 डिग्री 18 डिग्री के आसपास होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे, वो पूर्ण फल देने वाले होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। एक इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कुंडली है और आपकी कुंडली आपके पास आप पिता की कुंडली को स्टडी करना चाहते हैं लेकिन पिता की कुंडली आपके पास नहीं है, या भाई की कुंडली को स्टडी करना चाहते हैं भाई की कुंडली आपके पास नहीं है, सिमिलरली माता की कुंडली को स्टडी करना चाहते हैं माता की कुंडली आपके पास नहीं है, तो क्या करें? तो सिंपल प्रिंसिपल इसका यह है कि सूर्य जिस भाव में बैठा हो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, तो सूर्य जिस भाव में बैठा हो उसको लग्न बना लीजिए उस राशि को। अगर सूर्य मान लिया मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि को लग्न बना लीजिए। तो जब वो लग्न बना लेंगे तो वो कुंडली जो कुंडली बन जाएगी वो आपके पिता की कुंडली बन जाएगी। उससे फिर दूसरे भाव से पिता का धन देखिए, तीसरे भाव से पिता का पराक्रम देखिए, चौथे भाव से पिता का सुख देखिए, पांचवें भाव से स्वयं को देखिए पिता की संतान, छठे भाव से पिता का संघर्ष देखिए। तो इस तरीके से आपको मालूम चलेगा। तो यानी जहां सूर्य बैठा है उसको लग्न बना लीजिए। सिमिलरली अगर आपको अपनी माता की कुंडली देखनी है तो जहां आपका चंद्रमा बैठा है उसको लग्न बना लीजिए। अगर अपने भाई की कुंडली देखनी है छोटे भाई की तो जहां मंगल बैठा है उसको लग्न बना लीजिए। आपने अपने मामा की कुंडली देखनी है तो बुध स्थित राशि को लग्न बना लीजिए। पुत्र का विचार करना हो तो पंचम राशि को लग्न बना लीजिए। पुत्र वधु का विचार करना हो तो पंचम से सप्तम जाइए, उस राशि को आप लगन बना लीजिए, तो उससे आपको पुत्र वधु की कुंडली भी आप देख सकते हैं। मतलब इन एक कुंडली में 12 भाव में और जो ये 9 ग्रह हैं इनके अंदर इतना कुछ संसार है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसी कुंडली से आप सबकी कुंडली देख सकते हो, हर किसी कुंडली आप देख सकते हो, हर किसी के बारे में आप बता सकते हो कि इसमें क्या चीज हो सकती है और काफी कुछ सही होता है। तो किसी प्रकार से अगर आपको किसी अपने नौकर चाकरी कुंडली देखनी है या अपने नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की कुंडली देखनी है तो शनि जिस राशि में है उसको लग्न बना के देख लीजिए। पत्नी की कुंडली देखनी है, स्त्री का विचार करना है तो शुक्र जिस राशि में है उसको लग्न बना के देख लीजिए। तो जब उसको लग्न बना के देखेंगे तो वो कुंडली वहां की उठ जाएगी, फिर उससे दूसरे भाव से धन, तीसरे भाव से पराक्रम, चौथे भाव से सुख, जैसे हमारा नॉर्मल होता है उस तरह से आपको चल रहा होगा। इसके बाद भाव सिद्धि काल जैसे मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन मैं यहाँ एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ फिर भी आपके लिए। भाव सिद्धि काल क्या होता है कि जब भी कि काम आपका कम होगा वो आपको ध्यान देना होता है। तो उस काम में ध्यान देने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे लग्नेश और भावेश, जैसे सपोज कीजिए कोई आपसे पूछता है कि संतान कब होगी, संतान कब होगी, तो उसमें क्या है कि संतान का संतान कौन सा भाव बताता है, पांचवा भाव बताता है। तो भावेश कौन हुआ, पांचवें भाव का स्वामी भावेश हुआ। तो आप ऐसा देखिए कि लग्नेश को फिक्स कीजिए, लग्नेश को फिक्स कीजिए और ये देखिए कि कब आपका पंचमेश यानी भावेश जो आपका भावेश है वो गोचर करता हुआ घूमता हुआ उससे त्रिकोण में कब आएगा। रिपीट, अगर आपको देखना है संतान कब होगी तो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई, एक लग्नेश इन्वॉल्व हो गया, एक भावेश यानी कि पंचम ग्रह का पंचम भाव का स्वामी इन्वॉल्व हो गया। तो लग्नेश को फिक्स कर लीजिए यानी लग्नेश जिस राशि में है उसको लग्न बना लीजिए। उसको लग्न बना के ये चेक कीजिए कि गोचर में आने वाले टाइम में गोचर में जो भावेश है वो लग्नेश से त्रिकोण में कब आएगा। यानी लग्नेश अगर 3 नंबर राशि बैठा है तो भावेश 3 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में या 10 नंबर राशि में कब आएगा, 11 नंबर राशि में कब आएगा। जो त्रिकोण होते हैं ना, तो आपके 1-5-9 एक त्रिकोण होता है, 2-6-10 एक त्रिकोण होता है, 3-7-11 एक त्रिकोण होता है, 4-8-12 एक त्रिकोण होता है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश आपका चौथी राशि में बैठा हुआ है तो चौथी राशि का त्रिकोण हुआ 4-8-12। तो भावेश जब चौथी राशि में, आठवीं राशि में या बारहवीं राशि में आएगा तो उस भाव के रिजल्ट मिलेंगे यानी संतान का वो समय होगा। इससे आपको फल नहीं मिलता है तो इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टा क्या कीजिए कि अब भावेश को फिक्स कर लीजिए यानी पंचमेश जहां बैठा है उस राशि को लग्न बना लीजिए और लग्नेश को घुमाइए। जब लग्नेश को आप घुमाएंगे तो देखिए कि लग्नेश आपका वहां से त्रिकोण में कब आता है, तो आपको संतान की सूचना मिल जाएगी कि संतान इससे इस भाव से मिलेगी। तीसरा, इससे भी आपको नहीं समझ कुछ बात बन पा रही है, लग रहा है कि आपको उससे कुछ बात नहीं बन पा रही है या जो टाइम इससे आ रहा है उस टाइम में दशा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि दशा भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। खाली गोचर से तो देखना वो नहीं है ना, गोचर भी तो होना चाहिए लेकिन दशा भी होनी चाहिए। अब आपने भाव सिद्धि काल से देखा
कि भाई संतान होने के चांसेस जो है वो अप्रैल के अंदर है या अप्रैल 21 में है या मई मई 21 में है, होने के चांसेस मीन्स के कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं मई 21 में है। तो मई 21 में ये देखना होगा कि दशा भी इन्वॉल्व है या नहीं है, पांचवें घर में बैठे ग्रह की दशा या पांचवें ग्रह के स्वामी की दशा या सप्तांश के लगन के स्वामी की दशा, मतलब वो दशा भी तो इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी तो गोचर सिद्ध होगा। अब आपने देखा कि अप्रैल में बच्चा होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, लेकिन दशा नहीं है। तो तीसरा फॉर्मूला ले ले लीजिए। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि बृहस्पति संतान का कारक होता है। तो आप भावेश को फिक्स कीजिए कि भावेश किस राशि में है और चेक कीजिए कि बृहस्पति उस राशि पर या उससे त्रिकोण में गोचर में जब आएगा तब संतान होगी। तो ये दोनों तीनों फार्मूले आप लगा के देखेंगे और मालूम चलेगा आपको कि दशा भी अवेलेबल है। हर फार्मूले से आपने लिख लिया फिर देखा कि हाँ अब दशा अवेलेबल है, इस फार्मूले वाले रिजल्ट में दशा अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं कि संतान के होने के इन दिनों में पूर्ण योग बनते हैं। ऐसे ही फार्मूले से आप चंद्र लगन को भी बना सकते हैं, चंद्र लगन से भी तीनों चीज दे सकते हैं। ये तो हमने लगन से देखा, जो लगन से देखा ऐसे चंद्र लगन से भी आप विचार कर सकते हैं। अच्छा अब मान लिया यही ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी भाव का विचार करना है आपको, मान लीजिए कि आपको सातवें भाव का विचार करना है कि विवाह कब होगा, तो सिंपल सी बात है, तो आप ये देखिए कि सातवें भाव का स्वामी किस राशि और किस अंश में है। सातवें भाव का स्वामी किस राशि और किस अंश में है, यानी मान लीजिए कि सातवें भाव का स्वामी शुक्र है और वो 16 डिग्री है, अंश में है, 16 डिग्री में है, तो जहां शुक्र बैठा है उस राशि को लगन बना दीजिए। अगर मान लिया वो चौथे नंबर राशि में है तो उसको लगन बना लिया। जब आपने उसको लगन बना लिया, अब उससे त्रिकोण में यानी उस राशि में या उससे त्रिकोण में, उस वो राशि कौन सी है चौथी, उसका त्रिकोण हुआ 8 और 12, उसमें या उसके त्रिकोण में 4, 8, 12 पे जब भी बृहस्पति जाएगा, जब भी बृहस्पति गोचर करता हुआ जाएगा तो विवाह होगा। ये एक फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला है, ये किसी भी भाव के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आठवें भाव के रिजल्ट देखने हो तो आठवें भाव के लिए, नवे भाव के रिजल्ट देखने हो तो नवे भाव के लिए, इस तरीके से ही आपने वो काम करना है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देनी होती है कि जब गोचर कुंडली होती है आपकी, मान लिया आज का गोचर आप देख रहे हैं और गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, उस गोचर कुंडली में आप देख रहे हैं कि लग्नेश और षष्ठेश, लग्नेश और छठे घर का स्वामी आपका आज की डेट में, जो जन्म कुंडली में आपका लग्नेश है और जन्म कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी है वो आज की डेट में गोचर कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये देखिए कि गोचर कुंडली जो आज की कुंडली है उस कुंडली में आप ये देखते हैं कि आपके जन्म कुंडली का जो लग्नेश है और जो जन्म कुंडली का छठे भाव का स्वामी है वो दोनों साथ बैठे हैं, तो क्या होगा? तो सिंपल ये होगा कि यदि लग्नेश बलि होगा तो जातक के वश में शत्रु आ जाएंगे, और षष्ठेश अगर बलि होगा तो जातक शत्रुओं के वश में आ जाएगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोगों को ये फार्म ध्यान देखना पड़ता है। अच्छा एक बहुत सिद्धांत है, लग्नेश गोचरवश जब किसी भावे से योग करेगा तो भी उस भाव के फल प्राप्त होते हैं। शायद बैटरी लो हो रही है इसकी, इसको खत्म करता हूँ जल्दी। लग्नेश अगर किसी भाव से गोचर में किसी भावे से मिलेगा, मान लिया लग्नेश आपका है और वो गोचर कुंडली के अंदर चौथे भाव के स्वामी से मिलता है, तो आपको मकान खरीदने के चांसेस होंगे या आप मकान खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य मकान खरीदने वाला है और प्रश्न आपसे करता है कि मुझे गृह लाभ या भूमि का लाभ कब होगा, कब मैं घर खरीद पाऊंगा, कब मैं जमीन खरीद पाऊंगा, तो सिंपल सा सिद्धांत ये है कि आपको ये चेक करना है जब लग्नेश का और चतुर्थेश का, चतुर्थेश मकान को शो करता है, जब लग्नेश का और चतुर्थेश का योग होगा तब आपको गृह लाभ होगा, आपको भूमि लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब दशा भी अवेलेबल हो और आपका चतुर्थेश बलवान हो।
ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लग्नेश और चतुर्थेश का जब योग होगा, या तो लग्नेश चतुर्थेश दोनों साथ हों, या लग्नेश चतुर्थेश दोनों एक दूसरे को गोचर में देखें, जो जन्म कुंडली का लग्नेश है और जन्म कुंडली का चतुर्थेश है, तो आपको मकान का लाभ होगा। ये आपका ध्यान देने वाली इसके अंदर बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि किसी भी भाव की हानि, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि फलदीप के निर्याण प्रक्रम में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, कि किसी भाव संबंधी नाश कब होगा उसका विचार करना हो तो यह देखिए कि विचारणीय भाव से अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी कहां पर बैठे। विचारणीय भाव से सपोज चौथे भाव का नुकसान आप देख रहे हैं, या आप खुद का नुकसान देख रहे हैं कि लगन का नुकसान कब होगा, यानी मेरा नुकसान कब होगा, तो ये देखिए कि आपके विचार भाव से यानी पहले भाव से आठवें भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी दोनों कहां बैठे हुए। जब शनि गोचरवश वहां पर आएगा उन भावों के स्वामियों पे, तो उस भाव की हानि होगी, लग्न की हानि होगी, या उसके त्रिकोण में भी शनि आ जाए तब भी लग्न की हानि होगी। आपको समझ आया होगा कि किसी भी भाव संबंधी नाश कब होगा ये विचार करना हो, और आपने विचार करना है कि लग्न का यानी मेरे लिए हानि की प्रॉब्लम कब हो सकती है, मेरे लिए नुकसान कब हो सकता है। तो सिंपल देखिए कि लगन से आठवें और बारहवें भाव में जो स्वामी हैं वो कहां बैठे हैं। जब उस राशि में जिस राशि पर वो बैठे हैं उस राशि में या उस नवांश पे शनि गोचर में आएगा तब उस भाव की हानि होगी, उस भाव का नाश होगा, तब आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये थे कुछ नियम जो कुंडली के अंदर देखते हुए मैंने कहा कि आपको ध्यान देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। उम्मीद है कि आप इस सब नियमों को ध्यान रखेंगे और आपको समझ आए होंगे। समझने की चीज है, रटिए मत, समझिए इस चीज को, एक बार नहीं दो बार वीडियो देखिए, आपको समझ में ये सब चीज आ जाएगी। तो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे, तो आप काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे लिए मोटिवेशन की बात होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।